और पंजाब में दलित समुदाय के चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के बाद से घमासान शुरू हो गया है। इसी मुद्दे ने न्यूज 18 ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे सुनिए। पंजाब बीजेपी नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सुनील जाखड़ की नाराजगी सामने आई है और इसके अलावा जो सिद्धू के एडवाइजर हैं उनकी भी नाराजगी सामने आती है। किस तरीके से पंजाब कांग्रेस की क्राइसिस को अब देखते हैं आप? ऐसा कि पंजाब के दलित भाईचारे को, मजहबी भाईचारे को अपमानित किया जा रहा है। 7 दशक आपने एक मुख्यमंत्री दलित भाईचारे का नहीं दिया, कभी उप मुख्यमंत्री दलित भाईचारे का नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की, हमने कंपेन शुरू की, हमारे प्रेशर में 7 दशक बाद देर से ही सही पंजाब को आपने मुख्यमंत्री दिया, वो भी आप उसकी राज ताजपोशी नहीं हुई उससे पहले ही आप घोषित कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव होगा, दलित नाइट वॉचमैन रहेंगे, दलितों का काम केवल चौकीदारी करना है और राज आप करेंगे। ये कैसा अपमान कर रहे हैं आप पंजाब में दलितों का? कैप्टन ने कहा है कि सिद्धू के आईएसआई के लोगों से संपर्क है और उल्टा उनके एडवाइजर ने आरोप लगा। आईएसआई के पंजाब पॉलिटिक्स में इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, आज उस पॉलिटिकल पार्टी का एक मुख्यमंत्री अपने पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगा रहा है कि इसके पाकिस्तान की आर्मी के साथ संबंध है, ये नेशनल थ्रेट है, आंतरिक बाहरी सुरक्षा पर खतरा है। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का एडवाइजर व पंजाब का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आरोप लगा रहा है कि आईएसआई के संबंध है कैप्टन साहब के साथ, और मेरे पास बड़े रहस्य हैं। अरे भैया मुस्तफा साहब, आप तो अब ऑफिसर ने चाकरी छोड़ी है, बताइए आपकी ड्यूटी है कि देश को कहां से थ्रेट है और कौन थ्रेट दे रहा है। एक अंतिम सवाल, कैप्टन के प्रति क्या सहानुभूति अब बीजेपी में बढ़ी है, चूंकि आप भी राष्ट्रीय बीजेपी नेता हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स से काफी समझ? ऐसा है, अभी तो पंजाब कांग्रेस की पूरी कांग्रेस नाराज है। अब नाराजगी की बात कर रहे हैं, सिद्धू नाराज है, रंधावा नाराज है, बाजवा साहब नाराज है, जाखड़ साहब नाराज है, नाराजों की पार्टी है कांग्रेस। लेकिन कैप्टन के प्रति सहानुभूति है? अरे नाराजों की पार्टी है कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 2022 का विधानसभा चुनाव चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। ये कहकर कांग्रेस ने चन्नी को डमी सीएम के रूप में पेश किया है, जो दलितों का अपमान है। कांग्रेस और गांधी परिवार ने एक बार फिर दिखाया कि वो दलितों को मोहरा समझते हैं और उन्हें सम्मान और कद के लायक नहीं समझते हैं। पंजाब में कांग्रेस में मचे घमासान में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के एक सदस्य का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पंजाबी समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुसलमानों और किसानों का इस्तेमाल किया है। पंजाब में कांग्रेस में मची हलचल पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पंजाब में कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री बनाए, अपनी गाड़ी पर कौन सा इंजन लगाए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो इंजन कदम कदम पर टॉस करके चलता हो उससे पंजाब का क्या हाल होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये पूरे दलित समुदाय का बहुत बड़ा अपमान है। ये गांधी परिवार के वफादार नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सीट पर कब्जे जैसा है। ये पूरी तरह से कांग्रेस के दलित सशक्तिकरण की बातों को काटता है, शर्म की बात है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इसके बाद चन्नी पंजाब भवन पहुंचे, जहां उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत और दूसरे तमाम नेताओं की मौजूदगी में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सीएम बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद किया। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी का को जमीन से जुड़ा और गरीबों का नेता भी उन्हें बताया। उन्हें लगे हाथ चन्नी ने किसान और कृषि सुधार कानून पर भी अपनी बात रखी।
इस सोच नूं अगे लेके उन्हां दी सोच ते पहरा दिंदे हुए कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी दी हाई कमांड ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी ने हरीश रावत जी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नूं जिहड़े कहिंदे फिरदे ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी तां किसानां नूं अपना गल बढ़ के दे दांगा लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आण देगी। इह किसानां दी सरकार है किसानां दे दी हितैषी सरकार है इह कांग्रेस पार्टी दी सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा इह किसानी डुबेगी तां पंजाब डुब जाएगा किसानी डुबेगी तां हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है किसान दी फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है किसान दी फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम कीता है वो उन्हां नूं पाणी दे राखे भी कहा गया है लोकां ने उन्हां नूं हरन प्रतियारता भी दित्ती है। साडी पार्टी दे लीडर हैं जो काम अजे टाइम बचता सी अधूरे रह गए ऐसे ही करांगे। और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चन्नी के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ ली जो पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए उनके साथ हरीश रावत नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां नजर आए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण निभावांगा। मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सहुं चुकदा कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण निभावांगा। मैं ओपी सोनी ईश्वर की सहु चुकना हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण निभावांगा। और पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए पंजाब सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे। और इन सभी के बीच पंजाब से एक नई तस्वीर न्यूज 18 के हाथ लगी है जिसमें राहुल गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कई विधायक और नेता दिखाई दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस तस्वीर में दिखने वाले विधायक ही चरणजीत सिंह चन्नी की नई कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उन्हें माना जा रहा है कि ये चन्नी के नए कैबिनेट के वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिलेगी। और बेहद खास ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में पंजाब की कमान आ चुकी है लेकिन उनके कैबिनेट के कौन से वो प्रमुख चेहरे होंगे जिन पर मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तस्वीर से अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यही वो चेहरे यहां पर हो सकते हैं। पंजाब में डिप्टी सीएम बनाए